नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ। ये स्केच प्लान है, मतलब लाइन प्लान है। यह क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बेसिक प्लान समझाया था कि इस टाइप में यह प्लान बन सकता है। तो ये लाइन प्लान है, उसमें डिटेल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्लान किस टाइप में बनाते हैं, तो ये पहले स्केच बनाते हैं, इस टाइप में मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, 28 फीट विड्थ है प्लॉट का, यहाँ से यहाँ तक 28 फीट है, मतलब 28 फीट है। और 32 फीट यहाँ से यहाँ तक देखिए 32 फीट यहाँ से यहाँ तक, मतलब 32 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक एरिया है। और इस साइड में रोड है। और देखेंगे तो देखिए, रोड जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब ये उत्तर की दिशा में है। और यहाँ पे ये जो साइड है ये ईस्ट फेसिंग है, मतलब ये पूर्व की दिशा है। तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे किचन आता है। और तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं इस रोड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे वरांडा लग रहा है, और इस वरांडे के बाद में देखेंगे तो देखिए स्टेयर जो स्टार्ट होती है फर्स्ट फ्लोर की तरफ, देखेंगे तो देखिए यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो स्टेयर जो है यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं यू टर्न करके, और यहाँ से भी स्टार्ट करके यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, मतलब यहाँ के स्लैब पर पहुँच जाएंगे। और इसके बाद में लिविंग रूम दिया गया है, देखिए लिविंग रूम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए बेडरूम एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे किचन एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेसी काफ़ी, देखिए कि लिविंग रूम से हम किचन में एंट्री कर सकते हैं, और ये जो बेडरूम का डोर है ये सेपरेट है, मतलब इसकी प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन होती है। तो लिविंग रूम से हमें किचन डायरेक्टली बेडरूम में नहीं जा सकते, हम किचन में जा सकते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा डाइनिंग का एरिया भी रख सकते हैं, और यहाँ पे वॉश एरिया है, देखिए सॉरी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का एरिया है, और यहाँ पे टॉयलेट दे सकते हैं हम, और यहाँ पे बाथरूम दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लिविंग रूम वाले जो है यहाँ से पे एंट्री कर सकते हैं, मतलब किचन वालों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये जो गेस्ट रूम है, मतलब जो दूसरा बेडरूम है, अगर आप इसको गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, चिल्ड्रन बेडरूम भी कह सकते हैं, और इस बेडरूम को भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब लिविंग रूम के में जो भी गेस्ट है वो अगर टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, इस बेडरूम वालों को डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि इसका यहाँ पे डोर रहेगा। और किचन वालों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि किचन का देखेंगे तो देखिए इस साइड में सेपरेटली किचन है, और बेडरूम का है, बेडरूम को भी, इस बेडरूम को भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका डोर रहेगा। तो प्राइवेसी मेंटेन होती है पूरे लगभग हर किसी की। ये रफली स्केच है, इस टाइप में हम पहले एक प्लान व्लान बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर बाद में डिटेल कर सकते हैं। विंडोज़ वगैरह देख सकते हैं, देखिए इस साइड में विंडो देख सकते हैं, इस साइड में विंडो देख सकते हैं, और यहाँ पे भी विंडो देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो देख सकते हैं लिविंग रूम को। और गेस्ट रूम को देखेंगे तो यहाँ पे रूम दे सकते, यहाँ पे विंडो दे सकते हैं। तो ये जो रूम वाले हैं यहाँ से टॉयलेट बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, किचन वाले यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और किचन की वॉल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तक हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, ताकि यहाँ पे हम छोटा सा बेसिन लगा सकते हैं। और जो गेस्ट जो है यहाँ से जो यूज़ करने वाले हैं, इनको डायरेक्टली किचन का एरिया नज़र ना आ जाए, मतलब यहाँ पर जो किचन में जो भी कोई किचन में वर्क कर रही है लेडीज़ वगैरह, तो इनको डायरेक्टली ना दिखे, या इनको भी डायरेक्टली ना दिखे, इसलिए यहाँ पे हम एक वॉल बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन हम लगा सकते हैं। तो देखिए इस टाइप में ये लाइन प्लान बनाया गया था। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।